धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। स्कैरी पंपकिन ऑडियो में आपका स्वागत है। इस कहानी की लेखिका है स्नेहा बस्तोड़कर वाणी। स्वाति टीचर, ये क्या किया आपने? आपने उस काले साए में एक और मासूम आत्मा को जाने दिया। एक और जीवन खतरे में है टीचर, इसे रोकिए टीचर। मैं क्या करूं शीला टीचर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं उस दानव का सामना नहीं कर सकती। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो टीचर, केवल आप ही उन आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। स्वामी पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। स्वाति टीचर ने भगवान के सामने हाथ जोड़े, स्वामी समर्थ की विभूति पुड़िया में बांध ली और वह झुंझार राव के बंगले की ओर जाने लगी। काफी रात हो चुकी थी। इस बार स्वाति टीचर मृत्युंजय बंगले पर अपनी स्कूटी लेकर पहुंची। वहां गेट के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, मतलब इंस्पेक्टर मोहिते अंदर ही थे। वह दबे पांव से पत्थर की सड़क पर चलते हुए बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई। स्वाति ने सोचा, इंस्पेक्टर की गाड़ी बाहर खड़ी है तो वो अंदर ही होने चाहिए। वो सोचने लगी, लेकिन फिर दरवाजे पर ताला क्यों है? उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो बंगले की दीवार के सहारे पीछे की ओर चलने लगी। चलते चलते उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की दीवारों से रोशनी आ रही है। घने अंधेरे में वो हल्की सी रोशनी उसका ध्यान खींच रही थी। उसने नीचे देखा, उस छोटी सी खिड़की से तहखाने का नजारा उसकी सोच से परे था। इंस्पेक्टर मोहिते एक बड़े से स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए, उसके हाथ और पैर कांपने लगे, इस डर से कि उसकी देरी के कारण एक और जान चली जाएगी। उसी स्ट्रेचर की दूसरी तरफ एक गुड़िया रखी हुई थी जो बिल्कुल इंस्पेक्टर की तरह दिख रही थी। उनके सामने झुंझार जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र बोल रहे थे और आग में आहुति डाल रहे थे। वो चौड़ी निगाहों से पूरा नजारा देख रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैम साहब, इसे रोक दो। मैम साहब, इसे रोक दो। झुंझार के इस काले खेल को बंद करो। विजू हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। जब मैंने इंस्पेक्टर साहब को बंगले में आते हुए देखा था तो मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन ये झंझार उन्हें बेसमेंट में ले गया। मेरे हाथ बंधे हुए हैं मैम साहब, पर आप कुछ करिए। इसी तरह उसने मेरे बच्चे की आत्मा को भी वश में कर दिया था। मुझे जल्दी से तहखाने का रास्ता दिखाओ विजू चाचा। चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, वो हमें इससे बचाएंगे। विजू स्वाति को तहखाने के दरवाजे के पास ले गया। वहां से स्वाति को अकेले ही जाना था। स्वाति ने आह भरी और सीढ़ियों से नीचे चलने लगी। बेसमेंट में पहुंचते ही उसे गर्मी लगने लगी। उसने झांक कर देखा। आइए स्वाति टीचर, आपको आने में बहुत देर हो चुकी है, इंस्पेक्टर की आवाज आई। स्वाति टीचर को खुशी हुई कि वे अभी भी जीवित है और उन्हें बचाया जा सकता था। स्वाति ने जल्दी से अपने पर्स से चाकू निकाला और झंझार पर दौड़ लगाई, लेकिन झंझार वहां नहीं था और इंस्पेक्टर होश में नहीं थे। स्वाति ने देखा कि यह आवाज झंझार ने ही निकाली है, लेकिन जैसे ही वह कुछ करती उसके सिर पर जोर से वार हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद स्वाति ने अपनी आंखें खोली और वो जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। काला जादू, वशीकरण या कुछ और, वह समझ ही नहीं पा रही थी। उसने देखा कि उसका लाया हुआ चाकू उसके पास ही पड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और चुपके से चाकू अपने पास खींच लिया और रस्सी काटने लगी। झंझार का ध्यान भटकाने के लिए वो उससे बातें करने लगी और सवाल पूछने लगी।
आप ये सब क्यों कर रहे हैं? निर्दोषी लोगों को मार कर उनकी आत्माओं को कैद करने से आपको क्या मिलता है? होश में आ गए टीचर, मुझे क्या मिलेगा? एक दिल दहला देने वाली हंसी के साथ उसने कहा, खुशी और संतुष्टि। मैंने गुड़िया बनाने का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन जिन लोगों के लिए मैं ये गुड़िया बनाता था वे बहुत प्रसिद्ध कठपुतली का खेल करने वाले इंसान थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे अपनी कला सिखाई, गुड़ियों को जिंदा करने की कला, और उनकी मृत्यु के बाद ये परंपरा मैंने जारी रखी। देखो मेरे गुरु, उसने इशारा करते हुए कहा। स्वाति ने अब तक अपने पैरों को खोल दिया था। उसने झुंझार के दिखाए दिशा में देखा, वहां एक बड़ा सा गुड्डा था। वो बहुत पुराना था और बहुत डरावना लग रहा था। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? मैंने उनकी सिखाई कला उन्हीं पर आजमाई। वो पहले इंसान थे जिन्हें मारकर उनकी आत्मा को इस गुड्डे में कैद कर दिया। इस तरह मुझे अपनी ताकत मिलती है। मतलब तुमने उस दिन शीला टीचर को मार डाला, तो फिर तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया? स्वाति ने धीरे से हाथ की रस्सी काटते हुए पूछा। जब आपके स्कूल में मेरा एक शो था, तभी मैंने आप दोनों में से एक को अपने संग्रह में शामिल करने का फैसला किया था। लेकिन जब मैंने आपसे बात करना शुरू किया तो मुझे लगा कि आपको वश में करना मुश्किल होगा, लेकिन शीला को वश में करना आसान था। इसलिए मैंने आप दोनों को अपना संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने पहले से ही उसका गुड्डा तैयार करके रखा था। तुम्हें मारने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। मुझे पता था कि तुम इंस्पेक्टर के पीछे आओगी। अब मरने से पहले तुम देखना कि मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ। इतना कहकर उसने बड़ा चाकू उठाया, एक हाथ इंस्पेक्टर जैसे दिखने वाले गुड्डे के सीने पर रखा और दूसरे हाथ में चाकू उठाकर कुछ मंत्र बोलने लगा। स्वाति के लिए यही सही समय था इस काले खेल को खत्म करके इंस्पेक्टर को बचाने का। स्वाति ने पूरी ताकत के साथ झुंझार पर छलांग लगाई। झुंझार अचानक हुए हमले की वजह से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से चाकू छूट गया। स्वाति और झुंझार के बीच हाथापाई होने लगी। उसी दौरान इंस्पेक्टर को होश आ गया। आसपास घट रही चीजों को देख उसने गुड्डे के पास रखी बंदूक उठाई और झुंझार पर तान ली। हैंड्स अप, इंस्पेक्टर ने चिल्लाया। इंस्पेक्टर को होश में आया देख स्वाति को खुशी हुई, पर इंस्पेक्टर के हाथ में गन देखकर झुंझार राव हड़बड़ा गया। झुंझार राव, छोड़ दे स्वाति टीचर को। लेकिन सर, उन मासूम आत्माओं का क्या होगा जिन्हें गुड़ियों में कैद करके रखा गया है? स्वाति ने झट से उसके गुरु का गुड्डा उठाया और उसे आग के ऊपर धर दिया। जल्दी बता, उन सब आत्माओं को कैसे मुक्त करना है, नहीं तो ये गुड्डा जला दूंगी। नहीं, झुंझार चिल्लाया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। जल्दी बताओ, स्वाति ने उस गुड्डे को आग की तरफ लेते हुए कहा। बताता हूँ, वो सब गुड्डे को जला दो, फिर उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। पर उस गुड्डे को छोड़ दो, उसने डरते हुए कहा। ठीक है, छोड़ देते हैं। ऐसे कहते हुए स्वाति ने उस गुड्डे को आग में डाल दिया। नहीं, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए झंझार स्वाति की ओर दौड़ पड़ा। इंस्पेक्टर ने स्वाति टीचर को अपनी ओर खींच लिया और झंझार पीछे बिजली के पैनल पर जाकर गिर गया। बिजली के जोर से झटके से वो बेहोश हो गया। एक हफ्ते बाद, अब कैसी तबीयत है आपकी? बस आपकी वजह से जिंदा हूँ। आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। शुक्रिया किस बात का सर? उन सभी गुड्डों को जला दिया और उनकी आत्मा को मुक्त कर दिया, ये तो भगवान से मिलने के बराबर है। दुख तो इस बात का है सर कि मैं शीला टीचर को नहीं बचा सकी, पर झुंझार राव का क्या होगा? क्या उसे सजा मिलेगी? देखिए, कानून की नजर में उसे जल्दी सजा मिलेगी।
वहां संग्रहित अंगों की डीएनए रिपोर्ट उसके खिलाफ है। झंझार को लगे बिजली के झटके से वो तो पूरी तरह पैरालाइज हो गया है। उसका दिमाग चलता रहेगा पर शरीर नहीं। दूसरे की सहायता के बिना तो वो हिल भी नहीं पाएगा। भगवान ने उसे सही सजा दी है। आज तक तो वो दूसरे लोगों की आत्मा को गुड्डे में कैद करता रहा, लेकिन नियति ने आज उसकी आत्मा को उसी के शरीर में कैद करके रख दी हमेशा के लिए।